Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. देखा जाए तो आज के समय में किसी के विचार किसी के साथ नहीं मिलते, जिस वजह से वाद विवाद होना तय ही होता है। जहां बाहरी लोगों के साथ विचारों में आए मतभेद की वजह से झगड़ा होता रहता है, तो ऐसा ही कुछ माहौल घर में भी कभी कभी देखने को मिलता है। घर में हो रहे कलह कलेश से हर कोई परेशान रहता है। ऐसे में आज हम आप बताने जा रहे हैं घर में हो रहे झगड़ों के निवारण के लिए कुछ सरल से उपाय, जिन्हें करके घर में शांति बनाई जा सकती है। अपने घर में बर्तन गिरने और टकराने की आवाज़ बिल्कुल नहीं आने दे, क्योंकि इससे घर में लड़ाई होती है। और इसी के साथ घर में सजाकर सुंदर रखें, अपने घर में गंदी नहीं होने दे, और बहू सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लगाकर कचरे को घर के बाहर फेंक दे। कहते हैं घर में पितरों का पूजन जरूर करना चाहिए और हर दिन पहली रोटी गाय और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। ध्यान रहे कि रोटी बनाते समय तवा गर्म होने पर पहले उस पर ठंडे पानी के छींटे डालें और फिर रोटी बनाएं। कहते हैं अगर कोई स्त्री नियमित रूप से शनिवार को चमेली का दीपक जलाकर सुंदर कांड का पाठ करती है या किसी योग्य ब्राह्मण से करवाती है, तो उसका घर पति और बच्चे किसी भी प्रकार की विपदा से बचे रहते हैं। इसी के साथ अगर साप्ताहिक ना हो सके तो कभी माहक में कम से कम एक बार सुंदर कांड घर में अवश्य कराना चाहिए। कहा जाता है कि परिवार में पैसे की वजह से कला हो तो दक्षिणवर्ती शंख में 5 कौड़ियाँ रखकर उसे चावल से भरी चांदी की कटोरी पर घर में स्थापित करना चाहिए, और ये उपाय शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को या दीपावली के दिन करना चाहिए।